दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक ध्रुव था अमेरिका और दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ वाला। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। इसी कोल्ड वॉर ने दोनों देशों को अंतरिक्ष रेस में उतार दिया। कंपटीशन शुरू हुआ कि कौन पहले अंतरिक्ष में जाएगा। दोनों देश उसमें जुट गए। देश के बजट का बड़ा हिस्सा स्पेस मिशन में खर्च होने लगा। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने अंतरिक्ष में पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 भेजा। ये पहली बार हो रहा था जब इंसान की बनाई कोई चीज अंतरिक्ष में पहुंचाई गई। इस मिशन के कामयाब होने के बाद एक सवाल पैदा हो गया कि क्या इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है? क्या इंसान अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है? क्या इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाया जा सकता है? उस दौर में किसी भी रॉकेट, अंतरिक्षयान या फिर उपकरण पर लोगों को भरोसा नहीं था। अंतरिक्ष में मनुष्यों के जीवित रहने को लेकर भी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं थी, पर स्पुतनिक 1 की सफलता ने सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को हौसला दिया और वह इस मिशन में जुट गए। सोवियत के वैज्ञानिकों ने कई तरह के रॉकेट बनाए, कई प्रयोग किए, लेकिन ज्यादातर असफल ही रहे। लेकिन फिर 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने इसमें सफलता हासिल कर ली। उसने पहली बार अंतरिक्ष में इंसान भेज दिया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान का नाम था यूरी गैगरिन। यह अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका पर सोवियत संघ की जीत थी। उसके बाद अमेरिका और चीन ने भी अंतरिक्ष में इंसान भेजकर उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन इन तीन मुल्कों के अलावा कोई और देश इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत भी पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की लगभग पूरी तैयारी कर चुका है और इस मिशन को नाम दिया गया है गगनयान। आज भारत सरकार ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 4 यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। तो आज हम इस वीडियो में भारत के गगनयान मिशन और भारत के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग की बात करेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आसान भाषा में गगनयान मिशन के पीछे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की कड़ी मेहनत है। इसरो पिछले कुछ समय में 2 अहम स्पेस मिशन लॉन्च कर चुकी है, पहला चंद्रयान, दूसरा आदित्य L1। इन दो बड़े मिशन की सफलता के बाद इसरो गगनयान मिशन को सफल बनाने में जुट चुका है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा और 3 दिन बाद उन्हें पृथ्वी पर सफलता पूर्वक लाया जाएगा। यह मिशन कई चरणों में होगा। सबसे पहले मानव रहित मिशन होगा। इसके सफल होने के बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में जिस क्रू मॉड्यूल में बैठकर यात्री स्पेस में जाएंगे, उसी हिस्से को गगनयान कहा जा रहा है। क्रू मॉड्यूल दोहरी दीवार वाला केबिन है, जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज और टॉयलेट आदि लगे हुए हैं। इसे लेकर काम साल 2007 से ही शुरू हो गया था, लेकिन फिर बजट की कमी के चलते प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका था। बाद में जाकर इस मिशन को लेकर बजट अलॉट हुआ। मिशन में एक समस्या और आई कि पहले इस मिशन के लिए GSLV रॉकेट तैयार किए गए थे, लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं हुए थे क्योंकि वो भारी क्रू मॉड्यूल का वजन उठाने में सक्षम थे ही नहीं। फिर साल 2014 आते आते बजट की समस्या भी सुलझ चुकी थी। इसी साल GSLV मार्क 2 रॉकेट बनाया गया और इस समस्या का समाधान भी हो गया, लेकिन अब भी इसमें समस्या थी। इसलिए अब जाकर गगनयान को लॉन्च करने के लिए LVM3 का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई गगनयान मिशन की बात। अब बात करते हैं उन 4 गगन यात्रियों की जिनकी घोषणा कल ही की गई है। दोस्तों, इस मिशन के लिए एयरफोर्स के 4 लोगों को लिया गया है। उनके नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। मिशन के लिए सैकड़ों पायलट्स का टेस्ट हुआ था। उनमें से सिर्फ 12 की स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद कई और राउंड तक चुनाव प्रक्रिया चलती रही। तब जाकर इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 पायलट के नाम फाइनल किए हैं। चुने गए चारों पायलट ने रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोस ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग इतनी भी आसान नहीं होती। एस्ट्रोनॉट 0 ग्रेविटी में काम करते हैं, लिहाजा उनकी ट्रेनिंग के लिए वैक्यूम चेम्बर बनाया जाता है, जिससे उन्हें 0 ग्रेविटी में हवा में तैरने का अभ्यास करवाया जाता है। उन्हें गोल गोल घूमने वाली मशीन पर बैठा दिया जाता है, फिर मशीन को 0 ग्रेविटी में तेज रफ्तार से घुमाया जाता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट की सहनशीलता को टेस्ट किया जाता है। फिर एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान उन्हें एक बड़े से इंडोर पूल में चलाया जाता है।
इस पूल का वातावरण बिल्कुल स्पेस जैसा बनाया जाता है। एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी लैंडिंग और रेगिस्तान में सर्वाइव करना भी सिखाया जाता है। एस्ट्रोनॉट को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे किसी भी खतरनाक सिचुएशन में वह पैनिक ना हो सके। असल में स्पेस में जैसी सिचुएशन होगी ठीक वैसे ही सिमुलेटर में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने पर रियल टाइम सिचुएशन के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष में आने वाली दिक्कतों के साथ वापस आने पर दोबारा धरती के अनुकूल होने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट ने रूस के ग्रुडोंग शहर में एक साल की ट्रेनिंग कोर्स को पूरा किया है और अभी ने बेंगलुरु के चल केरे में बने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम से जुड़े इसरो के अलग अलग सेंटर से सारी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाया गया है। स्पेस क्राफ्ट के क्रूज सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इस सेंटर में बनाए गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत का अपना खुद का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर दुनिया में छठवें स्थान पर आने लगा है। इससे पहले नासा अमेरिका, रूस कॉस्मोस रूस, जर्मनी और स्कूबा स्पेस सेंटर जापान और चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग करने और अंतरिक्ष में भेजने की सुविधा उपलब्ध। लेकिन अब 27 फरवरी 2024 से भारत भी स्पेस की ट्रेनिंग देने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, पहली बार अपने 4 गगन यात्रियों से भारत ने दुनिया को परिचित करवाया। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का गर्व है। 140 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि इसरो भी हमारा है, एस्ट्रोनॉट भी हमारे हैं और ये जो लाइक बटन है वो भी हमारा है। तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।